Next, we are going to learn is addition of hypoalous acids. Hypoalous acids. Okay. अभी hypoalous क्या होता है? It is OH and X. Okay. So halogen and hydroxy group. So this is known as hypoalous acid. You can have different types. You can have HOF, HOCl, HOBr. It should be more correctly OH and F, OH and Cl, OH and Br, OH and I and OH and At. हम लोग इतना consider नहीं करते ना. What there is a difference between all of this. क्योंकि OH and F में है ना, O और F के बीच में, F is more electronegative. So this is going to be having a small negative charge and this is going to carry a small positive charge. Okay. Whereas बाकी सब में oxygen is more electronegative. Therefore chlorine here will carry a small positive charge. This will carry a small negative charge. This will have a negative charge. This will have a positive charge. Again this will have a negative charge. This will have a positive charge. So when you are going to add to an alkene. अब मैं यहाँ पे एक unsymmetrical alkene लेती हूँ. So that it becomes easier to understand. And I am adding. मैं HOF का case ले ही नहीं रही हूँ. Because that is quite different. What I am going to take is Cl. Now I know this is positive, this is negative. This is electrophilic addition. Electrophilic addition के मतलब क्या है? जो electrophile है, जो positive charge है, उस पर पहले electrons add होगा. Again ये pi bond का जो दो electron है, suppose this carbon is taking and it is giving to this Cl. ये electrons इसको देख के एक bond बना देगा. So this is going to form CH3CH. इस पर positive charge आ गया and then CH2 Cl. अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव विल गो टू दिस कार्बन एंटी एडिशन होगा. सो यू गोइंग टू गेट CH3CHOH एंड CH2Cl. अब यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखो, दिस इज एग्जैक्टली मार्कोनिकोव्स रूल, बिकॉज नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड पॉजिटिव विल डेफिनेटली गो टू द कार्बन हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन. ओके, सो दैट इज हाउ द एडिशन इज टेकिंग प्लेस. नाउ याद रखो, एस्टरडे आई शोड वन कंपाउंड वेर आई सेड देयर वाज CN एंड OH. जब भी COH किसी के साथ आता है तो उसको हम हाइड्रीन बोलते हैं. दिस इज क्लोरो ग्रुप, सो वी विल कॉल इट एज क्लोरो हाइड्रीन. ओके, कल वाला साइनोहाइड्रीन था एंड देन दिस इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ प्रोपीन, है ना, यहाँ प्रोपीन था ना. एंड अगेन देखो, विसिनल डाइहैलाइड्स के सिमिलर है, इट इज़ सिमिलर टू अ विसिनल डाइहाइड, क्योंकि बाजू बाजू के कार्बन पे OH और Cl है. सो सिमिलर नेमिंग ही देंगे. जब भी विसिनल होगा ना तो हम उसको ईन यूज़ करते हैं, प्रोपिलीन. सो दिस इज़ प्रोपिलीन क्लोरोहाइड्रीन, प्रोपिलीन. क्यों प्रोपिलीन? ENe क्यों? बिकॉज इट इज़ अ विसिनल कंपाउंड. ओके, बाजू बाजू के कार्बन पे सब्सटीट्यूशन हुआ. इफ़ यू यूजिंग IUPAC इट विल बी नोन एज 1-chloro-2-hydroxy, है ना, 1-chloro-2-hydroxy एंड देन प्रोपेन. मेन चेन प्रोपेन का है, याद रखो. हाइड्रोक्सी और प्रोपेन के बीच में वगैरह गैप नहीं आना चाहिए. नंबर है तो दोनों साइड हाइफन होगा या फिर यहाँ एक साइड में हाइफन होगा. सो 1-chloro-2-hydroxy-propane. सो दिस इज हाउ हाइपोहैलस एसिड्स विल एड. ओके.